मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बाइक चोरी करने वाले दो आरोपियों को थाने वर्तक नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। दरअसल वर्तक नगर पुलिस को बाइक और मोबाइल चोरी की घटनाओं की जानकारी या शिकायत बराबर मिल रही थी और इसी दौरान इन्होंने उपवन से कैडबरी नाके तक जाने वाले एक बाइक सवार का पीछा किया और पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो पता चला कि इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में दो आरोपियों को पकड़ लिया। इनके पास से 7 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। हालांकि इस पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी जो है एक पुलिसकर्मी का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। ये दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर बिना पेपर के चोरी की गई गाड़ियों को सस्ते दामों में बेचा करते थे। बहरहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में। बरामद कर जिन लोगों ने इसमें जो लोग इसमें शामिल है उनको अरेस्ट करना। ये जो ये पूरा टास्क था वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में अभी पाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि 7 मोटरसाइकिल अलॉन्ग विथ एक मोबाइल, ऐसे कुल मिलाकर 2,00,000 से भी ज़्यादा, मतलब 2,40,000 का ये कुल मिलाकर ये वैल्यू जैसे ये हमने अभी बरामद किया है। इसकी पूरी कहानी ये है कि मोटरसाइकिलें चोरी जाने की जो वारदातें हैं वो बढ़ रही थी। और इसकी गौरतलब है कि जब हमारे DCP साहब मैं खुद DCP और सीनियर PI और हमारी टीम इन्होंने कलेक्टिव एफर्ट्स करके यहाँ पे निगरानी करके उपवन से लेकर कैडबरी नाके तक जाने वाली की एक्टिवा और उसके ऊपर बैठा हुआ एक आदमी जिनके बारे में कुछ आशंकाएं थी उन्हें ट्रैप किया गया। शास्त्री नगर के पास जब उसको ट्रैप किया गया तो भागने की कोशिश करने लगा। उनको हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि उन्होंने कुछ मोटरसाइकिल या मोबाइल चोरी की है और उनमें से वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में जो ऑफेंस रजिस्टर हुए थे उसी ऑफेंस में से ये मोटरसाइकिल और मोबाइल हमने बरामद की है। इसमें नवनाथ महादेव विरकर करके एक आदमी है जिनको ये मोटरसाइकिल बेची गई थी और दूसरा जो है रूपेश रविंद्र पवार जिनको हमने अरेस्ट किया है, ये अभी तक की यहाँ पे जानकारी है। इसमें हमारे DCP साहब, सीनियर PI साहब, निकम साहब और हमारी जो DB की टीम है जिनके नेतृत्व में ये पूरा ये कलेक्टिव एफर्ट्स किए गए सक्सेसफुल। इसमें मैं जिसका नाम लेना चाहूँगा हमारी महिला पुलिस उपनिरीक्षक है शेट्टी मैडम, उनके साथ झगड़े साहब थे वो भी PSI यादव साहब, PSI शेख साहब, पुलिस हवलदार सैयद जाधव, पुलिस सिपाही जामगे, पुलिस सिपाही सौदागरे, पुलिस सिपाही खताड़, पुलिस हवलदार पाटिल, पुलिस हवलदार खरडे, पुलिस नाईक भुरकोड, पुलिस सिपाही हिवरे, पुलिस सिपाही काळे, इन सभी ने कुल मिलाकर ये प्रयास यशस्वी करके यहाँ पे हमने 7 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन ये कुल मिलाकर 2,00,000 से ज़्यादा मतलब 2,50,000 के आसपास का यहाँ में पूरा मुद्देमान हस्तगत किया। सर कितने आरोपी है और जो आरोपी गिरफ्तार करें इनका बैकग्राउंड क्या है? इसमें अभी तक तो दो आरोपी का हमने